अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को भी आप लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे वेटर्स के बारे में, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों का काम निमट जाएगा, ठीक है। अलग अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, तो टाइम की भी बचत होगी और वीडियो की भी बचत होगी, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको दोनों ही, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों देखते हैं कई दफ़ा वीडियो को, तो इस वजह से मैं दोनों को ही इस वीडियो के अंदर कवर कर देता हूँ। देखिए, वेटर एंड वेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के लिए है, मेल फीमेल के लिए। इसमें आपको जो जॉब है सऊदी अरब के अंदर किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे आपको NOC लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, वो पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दूँगा, ठीक है। ये वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है 100%, ठीक है दोस्तों। और आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को आपसे कोई चार्ज लेना है, किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं है, बट यह है कि मेरी ऑडियंस है, फैमिली है आप लोग, तो इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। चलिए यहाँ पे एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन आपके पास में 8th क्लास, 12th क्लास या 10th क्लास आपके पास में मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, नहीं भी है, तो आपके पास में एटलीस्ट आपके पास में यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास में स्किल्स भी तो होने चाहिए ना कुछ। अगर आप इससे अपर लेवल की, मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है, वेटर्स में टीम लीडर भी बन सकते हैं, तो फिर आपको ना डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, कोई डिप्लोमा आपके पास में हो, ठीक है, या फिर आपके पास में कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास में, ठीक है, तो उसमें आप असिस्टेंट मैनेजर वगैरह यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये जो एजुकेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो वेटर्स का काम करते हैं, ठीक है, उनको लाइक 8th क्लास हो या 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, वो चल जाएगा। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ, जो लोग इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं पे भी वो परेशान रहते हैं कि जॉब हम वेटर का काम करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, यहाँ पे पासपोर्ट और एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और फोटोज़ आपके पास में होना चाहिए, एक गवर्नमेंट ID प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। लाजिम अगर पाकिस्तान से हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चाहिएगा, अगर आप इंडिया से हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिएगा, ठीक है। जैसे पैन कार्ड हो गया या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, इस तरीके से। आधार कार्ड नहीं, ठीक है, आधार कार्ड नहीं आएगा, मैं पहले ही आपको बता दूं यहाँ पे। इसके बाद में आप यहाँ पे जो जॉब आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है, ये तो रेस्टोरेंट में आप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे, तो उसमें आप वेटर का काम कर सकते हैं, ठीक है, या बकाला टाइप का होता है तो उसमें, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा ज़्यादा आपको, जितना आपको बड़े रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टिप वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है, इंटरनेशनल लोग आते हैं, ठीक है, और यहाँ के जो सऊदी लोग हैं उनको प्रॉपरली पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट आता है वो बुक कर लेते हैं, ठीक है, वह एक नाइट के लिए या डे के लिए, या कोई फंक्शन है उनका, या एनुअल फंक्शन है या बर्थडे वगैरह, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी पार्टी वहाँ पे वो लाइक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है और टिप भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको उसके अंदर, ठीक है। उसमें आपको जब कस्टमर आपके पास में आता है, ठीक है, तो आपको ना बस लाइक उसको हैंडल करना है, ठीक है, जो उस बंदे ने ऑर्डर किया, जो मांगना चाहता है, आप उसको डिलीवर करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो उसने ऑर्डर किया या जो भी वो चाहता है उसको इग्नोर कर दें, ठीक है, और कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होती है उनको भी आप ध्यान से रेगुलरली सुने और उसको रिजोल्व करने की कोशिश। कस्टमर इंक्वायरी के लिए आता है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से बताएं, ठीक है, अगर वो मैनेजर से मिलना चाहता है या फिर आपसे किसी मेन्यू के बारे में बात करना चाहता है, तो प्रॉपर तरीके से आप उसको समझाएं, ठीक है, क्योंकि कस्टमर ही इनके लिए एक अर्निंग का जरिया है, ठीक है, उसी में से आपकी सैलरी बननी है, उसी में से मैनेजर की सैलरी बननी है, ठीक है, उसी में से रेंट जाना है रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो वो प्रॉपर तरीके से आपको ना, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे या जॉब आपकी लग जाएगी, तो आपको ना वो एक दो महीना आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज पड़ती है, आफ्टर दैन नॉर्मल हो जाती है लाइफ, ठीक है। और इसमें ईटिंग एरिया में, ईटिंग एरिया जहाँ पे लाइक बंदे खाते हैं, जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है इनकी, जहाँ पे शादी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो ईटिंग एरिया है वो बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिशेज है वो टेबल पे नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए और मेंटेन आनी चाहिए ये चीज़ें आपको करनी, ठीक है गाइज़।
इसके अलावा जो डैमेज है और लाइक कोई सामान डैमेज हो गया उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे अब एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस आपको कम से कम 1 साल का तो होना ही चाहिए, कम से कम मान के चले आप 1 साल का होना चाहिए। वैसे नॉर्मली 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे ये होगा कि आपके अंदर जो लाइक एक रूटीन बना हुआ होगा वो महसूस नहीं होगा, बस आप डायरेक्टली आप काम कर पाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको सिखानी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ कैसे कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। एक वेटर से आप अपर लेवल पे कैसे आ सकते हैं, देखिए इसके अंदर ना आप जब वेटर होंगे उसमें फिर आपके साथ में आपका जो काम है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आप असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हैं, टीम लीडर आप बन सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपकी जो सैलरी है इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ सैलरी की तो 1500 रियाल से लेके 2000 रियाल तक नॉर्मल वेटर्स को मिलती है, ठीक है। इसके साथ में आपको प्लस ओवर टाइम भी मिल जाता है, 10 घंटे की ड्यूटी रहती है, ठीक है। जब आप प्रमोट हो जाते हैं, मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर आप बन गए, तो उसमें फिर आपकी सैलरी 3000 से लेके 4000 के बीच में हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएं, डेफिनेटली आपका जो काम है वो चमकना चाहिए और आपका जो प्रमोशन है ज़रूर आप प्रमोट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि काम वाला बंदा ना यार कभी भी भूखा नहीं मर सकता, तो आपको ना ऐसा ही करना है, बिल्कुल टाइम नहीं पास करना है, मेहनत करनी है दबा के, ठीक है। ताकि अगर आप बंदा जो है आपसे खुश रहे और आपके काम पे कोई डाउट उसको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे आप असिस्टेंट, जब असिस्टेंट मैनेजर आप जब बन जाते हो तो फिर आपको अपनी टीम को मैनेज करना होता है और मोटिवेट करना होता है, कंप्लेंट सुननी होती है, रिजोल्व करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, ठीक है गाइस। फ्री एकोमेंडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट और फूड, आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है गाइज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक टाटा टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।